सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष कुमार है, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। सर बकरी पालन का विचार आपको कैसे आया? सर हमारे एक भाई थे फौज में, वो रिटायरमेंट आने के बाद उन्होंने गोट फार्म किया था, उनका देख के फिर हमने भी सोचा कोई साइड बिजनेस करे खेती के साथ साथ। तो कब आपने स्टार्ट किया था ये? सर 3 साल हो गए। कितने बकरियों से आपने स्टार्ट किया था? सर 20 बकरियों से स्टार्ट किया था। और आज कितनी है? आज हमारे पास 120 थे, जिसमें से अब ईद पे 30 बच्चे बिक्री कर दिए हमने, अब 90 पीस हमारे पास हैं। तो सर जब फौजी भाई का फार्म था वो बंद हो गया कि अभी चल रहा है? नहीं वो बंद हो गया है अब। जब वो फार्म बंद हो गया लेकिन आपने फिर फार्म खोल लिया, तो आपको हिम्मत कैसे आई सर? ये मन में डर नहीं लगा आपको कि उनका फार्म बंद हो गया और मैं अपना फार्म कर रहा हूँ स्टार्ट अभी? नहीं सर वो मेंटेन के ऊपर होता है, हमने मेंटेन किया, उन्होंने मेंटेन नहीं किया, मजदूरों के ऊपर फार्म को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो अभी यहाँ पर आप खुद हैंडल कर रहे हैं इसको या आपने कोई लेबर वगैरह रखी हुई है? नहीं लेबर तो रख रखी है पर हम सुबह शाम दोनों टाइम आके फार्म को चेक करते हैं। आप बारी पास हैं सर, आपने कोई जॉब की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी, सीधे बकरी फार्म में घुस गए? लगा नहीं कि आपको मुझे कुछ और करना चाहिए था, मैं किस काम में घुस गया, ऐसा मन में कभी ऐसा विचार आया? नहीं सर मैं ये भी चाहता था मेरा अपना खुद का कोई काम हो। हाँ जी, इसलिए मैंने सोचा कि गोट फार्म ही कर लेता हूँ। कितना साल हो गया आपको इसको करते हुए? 3 साल हो गए। कैसा महसूस कर रहे हो सर? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अपना खुद का एक बिजनेस तैयार हो गया है। जब आपने काम स्टार्ट करा तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी सर? बस समस्या शुरू में यही चारे की, इनको कैसे रखना है, इस तरह की समस्या आई थी, धीरे धीरे वो भी मेंटेन हो गई। तो अभी आपको 2 साल के आसपास हो गया है? जी सर 3 साल के आसपास। 3 साल के आसपास आपको हो गया है? जी सर। तो कितने लॉट निकाले सर अभी आपने? जी हमने 3 लॉट निकाल दिए हैं। पहला लॉट हमारा जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे गया था, दूसरा फिर भी लॉकडाउन में गया, अब तीसरा अब की ईद पे गया है। तो मुनाफा कितना सर आपको हो जाता है इससे? मुनाफा हमारा 6 लाख के लगभग हो जाता है। बहुत बढ़िया। आपने सर मार्केटिंग अपने कैसे बनाई है? भाई कोई अगर युवा स्टार्ट करना चाहता है वो ही डरता है कि अपना माल कहाँ बेचूंगा। लोग करना तो चाहते हैं काम, ऐसी बात नहीं चाहते हैं लोग करना, लेकिन समस्या ये रहती है कि मार्केट कहाँ बनाएं अपनी, वो कैसे अपना माल बेचें। तो आपने अपनी मार्केट कैसे बनाई? तो मैंने एक दो जो फार्म थे उनके जाके देखा, उनसे पूछा, फिर पता चला दिल्ली गाजियाबाद में मंडी लगती है, वहाँ पर मैं अपना माल लेके गया और वहाँ से। थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करें, जब आप यहाँ से मंडी लेके गए कैसे लेके गए आप माल, ताकि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनको पता लग सके मंडी भी जाता है ऐसे जाता है, थोड़ा सा साझा कीजिए उसको। सर पहले जो फार्मिंग पे हम गए थे उनके साथ गए शुरू में हम देखने के लिए जी, फिर गाड़ी करके अपना खुद माल लेके गए, 3 दिन वहाँ रुके भी थे, वहाँ हमारा माल फिर बिक गया, 1 साल दिक्कत आई फिर हमें खुद ही पता चल गया। जी जी। तो अभी फिर इस बार मंडी लेके गए आप माल या कैसे बिकाया? नहीं अब की बार तो हमारा माल घर से ही बिक गया है। फार्म से बिक गया? फार्म से। आपने ट्रेनिंग वगैरह सर ली हुई है कहीं पर? नहीं सर ट्रेनिंग नहीं ली है हमें। तो ट्रेनिंग की जरूरत है क्या इसमें? नहीं सर अब तो हमें एक्सपीरियंस हो गया है अपना खुद का। जी जी। कोई अगर सर स्टार्ट करना चाहता है कैसे स्टार्ट कर सकता है अपना काम? सर मैं तो यही कहूँगा शुरू में अपने छोटे से करो, लगभग 20 बकरी 10 बकरी लेके आओ, फिर उनसे अपना स्टार्ट करो, आगे अगर उनको बचत दिखाई देता है चलता है तो आगे बढ़ाएं फिर उसको। अगर कोई 10 बकरी से स्टार्ट करता है वो कितना मुनाफा ले सकता है उससे? 10 बकरी से अगर स्टार्ट करेगा तो साल में 2 लाख रुपए का मुनाफा उनको आ जाएगा। मिल जाएगा। खाने में क्या खिला रहे हो सर आप इन्हें? तो खाने के में इनको मूंगफली का चारा देते हैं और ग्वार का चारा देते हैं और जांट की पत्ती डालते हैं। जी अगर तैयारी करें एक बकरी की या बकरे की तो कितना खर्चा आता है उसको तैयार करने में, क्या ऐसा मुनाफा हो जाता है? एक बकरे के ऊपर लगभग 5,000 रुपये का खर्चा बैठ जाता है और वो लगभग कीमत उसकी 30,000 से 35,000 रुपये तक बिक जाता है। जी 14 महीने का बच्चा तैयार करके बेचा जाता है, जब 2 दांत हो जाता है वो ही बच्चा ईद के लिए तैयार होता है। जी दूसरा कैसे किस तरह से मार्केट बनाया सर अपने, जो स्टार्ट करना चाहते हैं फार्म को कैसे मतलब माल अपना बेचें कहाँ बेचें? मैं तो यही कहूँगा शुरू में एक दो फार्म पे जाके देखें, उस हिसाब से अपना जैसा बजट है 10 बकरी का है 20 का है उस तरह से लेके आएं, फिर उनको जो दूसरे फार्मिंग हैं उनके संपर्क में रहें, 1 साल में लगभग उनको अपना खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा। शेड का क्या एरिया है सर आपका ये फार्म का? हमारी साइड का एरिया है 50x60 का है ये। जी जी क्या खर्चा आपको आया सर इसको बनाने में? इस साइड को हमने शुरू में तो छोटी साइड बनाई थी 20 बकरी, अब धीरे धीरे हमने जो इनसे बचत आई उसी से हमने अपनी साइड ये तैयार की है, आज के दिन हमारी साइड लगभग 7 से 8 लाख रुपए की है। तो आपने इनको स्टूल फीडिंग में यहाँ पे रखा हुआ है? जी। और वैसे भी ग्रेजिंग पे भी ले आते हैं बाहर इनको?
नहीं, बाहर जो हमने अपने ग्राउंड के बाहर ही बना रखा है, इसमें थोड़ी बहुत देर घुमा लेते हैं और अंदर। अब आपका प्लान क्या सर आगे का? हमारा आगे का प्लान यही है कि अगली ईद के लिए भी हम लगभग हमारे 40 से 50 बच्चे तैयार हो जाएंगे जी, और फार्म और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। मतलब काम आपको पसंद आ गया है? हाँ जी, काम। तो नौकरी वोकरी करने का कोई आगे विचार है? नहीं है। नहीं सर, नौकरी करने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे जी, जो हमारा शुरू हो गया है। मतलब पहली बार जब आपने करा, जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन आ गया था, फिर भी थोड़ा बहुत माल बिका। हाँ जी, समस्या आपको वहाँ भी इस टाइम पे भी आई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी जी सर। फिर दोबारा लॉकडाउन पड़ गया, तब भी थोड़ा बहुत माल बिका जी सर, लेकिन आपने बैकअप था आपके पास में और आपने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इस बार जो ईद आई है उस पर सारा आगे पीछे का सब आपका निकल गया जी। हाँ सर, इस बार तो ईद से एक महीने पहले ही माल निकल गया था हमारा जी। देहरादून से पार्टी आई थी, वो लेके गई है, हमारे पास 30 बच्चे थे, 25,000 के हिसाब से 7.5 लाख रुपए का माल हमने फार्म से सेल कर दिया जी। जी, कोई स्टार्ट करे सर, कैसे स्टार्ट कर सकता है बकरी पालन? सर शुरू में 20 बकरी लेके आनी है या 10 बकरी लेके आओ, छोटा अपना फार्म बनाओ, फिर एक साल के बाद देखो अगर उनको अच्छा लगता है, काम पसंद आए जी, तो 20 बकरियों से ही फार्म अच्छा चल जाएगा। धीरे धीरे जो बचत आएगी वही फार्म के ऊपर लगानी है, घर से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। घर से अगर ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो नुकसान होगा आपको जी। और वही जो नए भाई फार्म करते हैं वो पहले साइड पे 3-4 लाख रुपए लगा देते हैं और 50 से 60 बकरियां खरीद लेते हैं, नए चारे का पता होता है कितना लगेगा, जिसकी वजह से वो 1-2 साल में फार्म बंद करने की नौबत आ जाती है। जो हमारे युवा बेरोजगार भाई हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो, जो शहर जा रहे हैं वहाँ पर धक्के खा रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये के लिए, और गाँव से भी दूर हैं, परिवार से भी दूर हैं? हाँ सर, मैं तो यही कहूँगा, जो गांव के जो लोग शहर में जा रहे हैं वो एक किस्म से सर जुआ है। वहाँ पे देखे तो हर चीज़ किराए पे मिलेगी, अगर 15,000 की नौकरी मिलेगी तो उसमें 5,000 कमरे के लगेंगे, घर परिवार से दूर रहेगा, प्रदूषण में रहेगा। मैं तो यही कहता हूँ, अपना कोई भी छोटा बिजनेस गाँव में, जैसे गोट फार्म, मैं ये नहीं कहता कि गोट फार्म ही करो, और भी पशु हैं वो भी अपने रख सकते हैं। शुरू अगर नहीं भी बजट है तो हमारी सरकार इतना मतलब लोन देती है कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। सर देखा गया अक्सर जो लोग हैं वो फार्म पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं पैसा, शेड पे ज़्यादा खर्च करते हैं, एनिमल पे कम खर्च करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो यही कहूँगा शुरू के मैं अपना छोटे से शुरू करो, बचत आती जाएगी, फार्म तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पैसे अगर साइड पर लगा दिए, अगर पशु नहीं लेके आए, गोट्स नहीं खरीदी, तो एक साल के में नुकसान ही आएगा उसको, क्योंकि प्रोजेक्ट पीछे का तो है नहीं जी, जी। माल तो बेचने का और साइड पे हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया। तो मैं ये कहूँगा पहले गोट्स ज़्यादा खरीदो, फिर धीरे धीरे अपने साइड। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।